और चढ़े मेवा भगवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िय को काया मांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो संभसत वारी मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संत दास जनों के अवगुण चरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहू में स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम ईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खलो स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया में किस विध मिलऊं कृपा में तुमको मैं। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे भगत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ॐ वर वर्माग हर्षदेह श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग श्यावर रामचंद्र जी की जय शरणम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सशखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव उमापति महादेव जी की जय शरणम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं अवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मुनिलक्ष्मीनारायण भगवान की पवन तनय संकटहरन मंगलमूर्ति श्री राम लखन सीता सहित हृदय पवन सुत हनुमान जी की जय शरण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु बोली श्री कृष्ण वल्लभ की जय बोली सब संतन की बोली सब भक्तन की सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो पहाड़ों वाली माताई तेरी सदा ही जय सभी बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की गंगा माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी माथा टेक लें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें जो लोग पीछे जाएं शालीनता से जाएं क्रमबद्ध तरीके से और आगे भी आराम से बैठें आज बड़ा ही पावन पवित्र दिवस है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव और आज कई सौ सालों के बाद ऐसा
योग है जो बुधवार भी है, अष्टमी भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, तीनों आज हैं, तो इसलिए बड़ा ही पावन पवित्र है, अद्भुत योग है। इसलिए इस दिन बैठ करके आप भजन सुने, भजन करें, जाप करें तो बड़ा ही लाभदायक है। तो आप सभी बैठे, थोड़ी ही देर में सत्संग प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए सभी से अनुरोध है प्लीज शांति का दान दें, सभी बैठे। और आज जो प्रीति भोज है, क्रॉस मर्ज सर्विस, सुरभि सोनी और उनके ग्रुप ने किया है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान। उनकी माता जी थोड़ी बीमार हैं, तो वो जल्दी से शीघ्र स्वस्थ हों, तो ये प्रार्थना करते हैं। आप सभी बैठे, बोलिए वंके बिहारी लाल की, आवाज नहीं आई, बोलिए वंके बिहारी लाल की। तो अब भजन कीर्तन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, सभी से विनती है कि अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, एक लाइन में आए प्लीज उधर से। तो मैं अजय जी को कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना प्रोग्राम शुरू करें। अजय जी तो हमारे स्टेज पे जो प्रोग्राम गाने जा रहे हैं, आज का प्रोग्राम हमारी ये मंदिर की मंडली है, अजय जी को तो सभी जानते हैं, अभिषेक ढोलक पे है, देवा मृदंग बजा रहा है, और मनोज जी कीबोर्ड पे, शोभा जी प्लेबैक सिंगर, सीमा जी, सुनीता जी, और सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर नीचे बैठे हैं अनीता जी, अनीता शर्मा जी, पिछले 25 सालों से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ जी अजय जी, सभी प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बातें बंद कर दें, सभी का ध्यान प्रभु के चरणों में हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल मावती महादेव की जय। आइए एक धुन मैं प्रारंभ करूंगा, फिर इसके बाद प्रार्थना करूंगा। सरस्वती वंदना, छोटे छोटे ये दो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सरस्वती वंदना बोलेंगे। तो इसी तरह हम सब प्रेम पूर्वक आज भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उनका प्राकट्य दिवस रात्रि तक मनाएंगे। तो आइए सभी, अपना ध्यान रखो।
जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि सभी बोले जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय सभी ताली बजाते हुए जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी जनमन रंजन दाता जनमन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता कर निर्भय जगत्राता उन लाखों की नैया तारी तारी नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि
नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो हरि ओम नमो नारायण कर लें जो भी यहां दरबार में बैठे हैं, हाथ ऊपर करते हुए और ताली बजानी है सभी ने। Yeah.
कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा जोर से जयकारा बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए इसी के साथ ये छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर सरस्वती वंदना तैयार कर कर आए हैं। हेलो हेलो Thank you.
आनंदमयी तू है, ज्ञानमयी तू ताली बजाएं बच्चों के लिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा जोर से जयकारा बोले, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जो बातें कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, बातें बंद कर दें, क्योंकि आपकी बातों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमें साउंड और ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको परेशानी होगी कि आवाज ज्यादा है। आप अगर शांत होकर बैठेंगे, भजन का आनंद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपसे सभी से निवेदन है, जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें, सिर्फ प्रभु का गुणगान करना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई, जयकारे की आवाज आनी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भी कम आवाज है, जरा और जोर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बात नहीं बनेगी। देखिए आप सबको पूरी दुनिया देख रही है, जितने यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सबकी नजर आपके ऊपर है, और आज तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं कैमरे, और पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है आस्था चैनल और पता नहीं कौन कौन से चैनल हैं, और शारदा चैनल ने तो जगह जगह पर इसको चलाया हुआ है। तो जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी आप इस सुंदर कार्यक्रम को देख सकते हैं शारदा चैनल पर। तो सब्सक्राइब क्या बोलते हैं वो कर लोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ये जब तक आप हो इस धरती के ऊपर तब तक इसका आनंद ले सकते हो, तो ये आनंद आपने ही बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? ताली का साथ देते हुए, गाते हुए और जयकारे लगाते हुए। तो एक बार जोर से जयकारा बोलना है। हाथ ऊपर कर लें, जरा सभी हाथ ऊपर करें जो भी यहां पर बैठे हैं, और जो खड़े हैं वो भी कर लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ हाथ ऊपर ऊपर ही रखें, आवाज अभी नहीं आई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार और फिर ऊपर रखे हाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ ऊपर ही रखेंगे ताली बजाते हुए, अभी नहीं, यहां ताल बजने दो, ताल बजने दो, वरना ऐसे तो रोटी सिकनी शुरू हो जाएगी। हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर रखें। सांवरिया मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया। सभी बोले बांसुरी बजा के मेरे होश उड़ाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया,
या गगन के झूम के आए देखो नाचन लागे पिया पंछी अगन के नाचन लागे अगन के जादू जगा के युगे जादू जगा के युगे जादू जगाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे एक बार मैं बोलूंगा एक बार आपने बोलना है क्यों क्योंकि कान्हा की जब बांसुरी बजती है तो बड़ा आनंद देती है और हम यहां उस आनंद के लिए बैठे हैं जिस आनंद को पाने के लिए गैया भी दौड़ी चली आती थी तो हम तो फिर भी बड़े समझदार हैं तो हमने वो आनंद उठाना है और बोलना है वो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा जोर से और जोर से मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा आवाज कम है लगता है पड़ोसी नहीं गा रहे आप गा रहे पर पड़ोसी नहीं गा रहे जरा जोर से मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा क्या बात है कितना स्वर है वाह बांसुरी बजा के मेरे होश उड़ाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए तेरे पिया रंग न छूटे प्रेम का तेरे पिया रंग न छूटे प्रेम का तेरे पिया रंग न छूटे प्रेम का तेरे पिया रंग न छूटे छूटे जमाना तेरा संग न छूटे मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा मेरे
बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान में भेद मेरा खोले, मन का पपीहा बेरी पिया पिया बोले, मन का पपीहा पिया बोले, मन का पपीहा मेरी पिया पिया बोले, पूजे ना कभी जो ऐसी हो, पूजे ना कभी जो ऐसी प्यास जगाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा ओ मेरे सांवरिया, बांसुरी बजाए जा मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, भक्तों की तुमने कान विपदा है तारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ताली की आवाज फिर कम हो गई है। ताली, ये वो ताली है जिससे ताला खुलता है और प्रभु के द्वार का ताला खोलना है ताली बजाकर। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, 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 सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मूल वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं प्यासी। दे दो जगह है मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह है मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, ओ शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हाथ ऊपर उठाए सभी, हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए। होए होए नजर ना लग जाए। होए होए नजर ना लग जाए। होए होए आप हाँ सबने बोलना है क्या नजर ना लग जाए। क्या बोलना है? क्या बोलना है? आवाज नहीं आई। क्या बोलना है? अभी भी नहीं आई आवाज। क्या बोलना है? समझ नहीं आई। जरा जोर से बोलें। सब हाथ ऊपर करें, सब हाथ ऊपर। और क्या बोलना है? एक साथ बोलो नजर ना। हाँ तो यही बोलना है। हाथ ऊपर रखो और इन हाथों को ऐसे करो, ऐसे। नजर ना लग जाए। बोलो। ओए होए होए नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। ओए होए होए नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। वागे बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए।
की कोरे ओए होए होए क्या बोलना है ओए होए 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 ओए होए काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे काजल की कोरे मेरा रगर मरोरे रंग रस में भोरे हो बलिगारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन आई नजर ना लग जाए 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 का काजल आवाज नहीं आई जोर से बोलना है क्या आंखों का काजल होए 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 कैसे बोला होए 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 आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल तेरे प्यार में पागल हो कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन आए नजर ना लग होए होए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए तेरे मुकुट की लटकन तेरे अधर की मुस्कन अधरन की मुस्कन फिरवर की मटकन हो बलिगारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने आए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए कान्हा को हम अभी से ही बुलाते हैं और क्या कहते हैं आजा हो आजा आजा हो आजा 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 हो आजा श्याम देखिए मेरे साथ बहुत अच्छा कोरस ये तीनों देवियां कर रही हैं पर आपकी और जरूरत है जरा जोर से आप भी बोलेंगे तो इन्होंने नहीं बोलना पहले आपने बोलना है पहले मैं बोलूंगा और फिर आपने बोलना है आजा 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 श्याम आजा आजा कान्हा आजा आजा श्याम आजा तेरे प्रीत हटेड़ी ओए होए होए तेरे प्रीत हटेड़ी तेरी रीत हटेड़ी तेरी रीत हटेड़ी तेरी जीत हटेड़ी तेरी जीत हटेड़ी
बजाने लग जाए, ताली बजाते हुए सभी। आइए कान्हा से प्रार्थना करें, जिसकी झोली खाली है उसकी झोली भर जाए, जिसकी झोली खाली है उसकी झोली भर जाए, और सभी प्रेम पूर्वक बोलें, हो भर दे रे शाम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में, हो ना बहला मतलब प्रेम का समझाना था, ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में, ना बहला बातों में, आ जा बंसी बज
यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,
हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा सभी बोले राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो करके जयकारा बोले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आइए इसी तरह प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सभी बैठे रहें। कुछ हाजरी हमारे भक्त जो देवालय में हर मंगलवार को आते हैं, रविवार को आते हैं, अपनी सेवा देते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, तो उन्होंने भी कुछ भजन
प्रभु के चरणों में रखने हैं, एक एक दो दो हाजिरी, क्योंकि समय आज कम होगा और हाजिरी लगाने वाले भक्त बहुत ज्यादा होंगे, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए सबसे पहले छोटी है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इनसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे बीच में प्रभु जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं और हमारे इनके बाद मैं प्रार्थना करूंगा सुनील जी से, और सुनील जी के बाद प्रार्थना करूंगा रचना मेहरा जी। इनकी मुझे सिर्फ आवाज ध्यान में रहती है, इनकी शक्ल भी ध्यान में नहीं रहती, बहुत अच्छा गाती हैं, इसलिए मैं इन्हें स्वर से जानता हूं। तो देखिए सभी बारी बारी सिर अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर 10, 11 और 12 बजे तक आपको पूरी मूवी देखने को मिलेगी कृष्ण कन्हैया लाल की, बहुत सुंदर सुंदर भजन इसी तरह आपको सुनने को मिलेंगे, और आपको नाचने के लिए मौज मस्ती के लिए पूरा समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, तो आपने पूरी मस्ती करनी है, क्योंकि आज जन्म है किनका, कन्हैया का। तो जब घर में किसी का जन्म हो जाता है, होता है, तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बड़ी खुशी मनाई जाती है, तो आज उस जगत के नियंता का जन्म, हम प्राकट्य जन्म भी नहीं गए हैं, प्राकट्य में प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण। तो कैसे प्रकट हुए हैं, लीलाओं के माध्यम से आप सबको देखने और सुनने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो मंदिर के चारों तरफ ये इतनी सुंदर झांकियां लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, जिन जिन भक्तों ने इसमें सहयोग किया है बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोर से ताली बजा दें उन सभी के लिए। और एक बार सभी हमारे मृदंग पर देवा जी, इधर अभिषेक जोशी जी, कीबोर्ड पर हमारे पंडित जी, बांसुरी पर भी हमारे पंडित जी, और गाने पर भी हमारे पंडित जी, मनोज जी और शुभा जी, सुनीता जी और सीमा जी, इन सब के लिए जरा जोर से ताली बजा दें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए मैं प्रार्थना करूंगा हमारे भक्त उन भक्त सभी इनका साथ देंगे। उन भक्त को स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आपसे जो इतनी देर से तालियां बजवा रहे हैं और यहां जो सुरों की गंगा बहा रहे हैं, अजय त्यागी जी, पंडित अजय त्यागी, उनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारी इस मंडली के मुखिया हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तम नाम अनाम का राम नाम सुख का जिसे सिमर बहुजन करे भवसागर से पार मन के से जपे भाव सहित हरि नाम सर्व सिद्धि को लाभ कर होवे पूरन का होवे पूरन जग में सुंदर है दूना चाहे कृष्ण कहो यारा बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 राम 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 बोलो श्याम 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 है दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम चाहे कृष्ण कहो यारा 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 ए जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम
फ्रिज में एक चुरा में माखन 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 बिज में एक चुरा में एक बेर भिलनी के खावे माखन बिज में एक चुरा में एक बेर भिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम 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 दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे दोनों दीन के दुख हरत है दोनों दीन के दुख हरत है दोनों बल के दाता चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम
एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों दुखे दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूरन का, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा सुनील जी से, प्रभु के चरणों में एक हाजरी और इनके बाद
रचना मेहरा जी वो तैयार रहेंगी, दो हाजिरी वो लगाएंगी और फिर एक छोटी बच्ची गाएगी, उसके बाद फिर से बहुत सुंदर कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी तरह आप इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठे रहें, बातें ना करें और जोर जोर से जयकारे बोलते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। और देखिए मेरा निवेदन है, जिन जिन के हाथों में पानी की बोतलें हैं वो अपनी बोतल अपने साथ रखेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी झूठी बोतलें अगर ब्राह्मण उठाएंगे तो वो भी पाप लगता है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि आधी आधी बोतल छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, और जिन्होंने पानी दिया है आपको, पिलाया है, बोतल दी है, उनको आशीर्वाद देना कि आपको इतना मधुर जल आपको प्रदान किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज थोड़ी कम है, जरा जोर से जयकारा बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो
जाने हैं संसार वाले मुरली वाले मुरली बजा तेरी वाली बुलाती है तू राधा संगिया भाग्य विधाता गोविंद कृष्ण मुरारी तू है राधा रानी तू है महारानी न्यारी है जोड़ी तुम्हारी तू सबका दाता भाग्य विधाता गोविंद कृष्ण मुरारी तू है राधा रानी तू है महारानी न्यारी है जोड़ी तुम्हारी हे गिरधर आओ हे गिरधर आओ हे महिमा दिखाओ चले आओ भारी सवाले मुरली वाले मुरली बजा तेरे वाली बुलाती है तू राधा संगिया कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सच्ची दरबार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की। और मैं प्रार्थना करूंगा रचना मेहरा जी से, प्रभु के चरणों में दो हाजिरी रखेंगी और शैली जी कुछ कहना चाहते हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आवाज नहीं आई काफी लोग है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अगर आप लोगों को बच्चों का किया हुआ काम अच्छा लग रहा है, एकदम जोर से ताड़ियां उनके लिए। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर लास्ट 5 वीक्स, 5 हफ्ते से लगे हुए हैं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू। सभी भक्त बैठे हैं, आप सभी, मुझे पता है ये लाला के सारे भक्त बैठे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अकेले में कौन कौन लाला से बातें करता है। जो करते हैं वो आगे आ जाए। जिनका लाला के साथ अपना प्राइवेट संबंध है, जैसा संसार के साथ है वैसा नहीं, जो एक अपना रिश्ता नाता अंदर का अपने कृष्ण भगवान के साथ जिन्होंने बनाया है, वो हमारे नजदीक आ जाए सबसे पहले। देखिए पीछे जगह भी कम है, थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, सभी आगे हो जाएं थोड़े थोड़े से।
तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मत हो कहती हूँ जो लाला के प्रेम के नशे में डूबे हैं ना नजदीक आ जाओ तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मत होश हुए तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मदहोश हुए अब प्रीत की रीत निभा दे जरा तेरे चरणों में झुका कर से बैठे पल को सेवा करते हुए सारे प्यारे प्यारे भक्तजन
ऐसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका दिल में बसा हुआ है। जय हो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा भजन और बहुत ही भावपूर्ण और गायकी भी बहुत भावपूर्ण। रचना जी के लिए एक ताली तो हो जाए। और क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी धारा में थोड़ा सा परिवर्तन, क्योंकि चलते चलते जब दरबार में संत आ जाते हैं तो सत्संग की महिमा और ही विचित्र हो जाती, बदल जाती है। परम सौभाग्य है हम सबका कि आज इस शुभ दिन, शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव संपूर्णानंद जी सरस्वती पधारे हैं। आइए सबसे पहले हम परम पूज्य गुरुदेव जी का अभिनंदन करते हैं। सभी आप सबकी ओर से, देवालय की ओर से परम पूज्य गुरुदेव जी का सादर अभिनंदन है। और आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत कलाकार सब लाइन में बैठे हुए हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करूँगा कि अपने सबको आशीर्वाद और आज के इस पावन पवित्र दिवस की संपूर्ण रूप से बधाई के रूप में थोड़ा सा दो शब्द बोलिए। नहीं, आज तो है ना, आज योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की भक्ति में मस्त होने का दिन है। बोलिए योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की। ऐसे कोई भक्ति में मस्त थोड़ी होता है। जयकारा ऐसे बुलाया, वैसे तो खैर व्रत रखा हुआ है, आज थोड़ी सी एनर्जी है ना, थोड़ी सी लो है, पर एक बार पूरा जोर से बोलिए योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की। बोलिए माता रुक्मिणी अधिपति कृष्ण जी महाराज की। बोलिए गोपाल कृष्ण जी महाराज की। आज मैं आपको दो बातें बताने के लिए, अभी तो आपको भक्ति की चरम सीमा पर लेकर के जाना है, और उसके लिए मेरा प्यारा शिष्य है अजय त्यागी, अब ये बैठ गया मोर्चे पे। अब देखो कैसे आपकी कुंडलनी जागृत होती है, कैसे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, और सिर जो है ना आपका आज कहाँ झुकना है और किसके सामने झुकना है। तो थोड़ा सा मस्ती में होकर के थोड़ा सा गाते हैं पहले, फिर सुनाएंगे तो बाद में। आज गाने का दिन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अजी बड़ा सुंदर भाव। और देखिए एक सूचना मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात बता दूं, आज महाराज जी का भी जन्म दिवस है। जरा जोर से ताली, जय हो। तो आइए बड़ा सुंदर भाव है, तो इसलिए तो मैं कृष्ण का भक्त हूं, और मेरा सन्यास के पहले का नाम भी कृष्ण है, तो इसलिए मैं योगेश्वर कृष्ण का भक्त हूं। जिस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे, जिस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। इस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे। सुनो 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 सुनो, फार्मूले का पता चला। यदि आप योगेश्वर कृष्ण जी महाराज के हो गए तो सारी दुनिया आपकी है। फिर जहां भी जाओगे, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र ध्रुवा नीति
मतिर मामा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर मतिर मामा सब कुछ आपका है। बोलो जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, क्या डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसकी कानों के हाथ में डोरी, ताकत फीकी पड़ती गए उस बलवान के आगे, ताकत फीकी पड़ती है उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे, आदमी का सर झुके गोपाल के आगे। सभी ताली बजाते हुए आपको एक बात बताते चलते हैं। आपके बच्चे पूछेंगे आपसे कि जिस योगेश्वर कृष्ण के लिए व्रत रख करके आज हम मंदिर गए थे, जिनको माथा झुकाया था, वो है कौन? उनका थोड़ा परिचय तो जान लो, उनकी कुल परंपरा को तो समझ लो, वो है कौन? कहां से कुल परंपरा चली? रघुकुल में एक चक्रवर्ती राजा हुए ययाति। ध्यान से सुनना, अपने बच्चों को बताना कि वो हमारे चरित्र नायक, वो महाभारत में पांडवों के आचार्य सारथी, धर्म की विजय कराने वाले, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का संदेश सुनाने वाले, वो कौन है और कहां से उनकी कुल परंपरा शुरू हुई? रघु कुल के अंदर एक राजा हुए ययाति, चक्रवर्ती सम्राट। उसी समय राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ, पर आर्यों की एक विशेषता है, वो संग्राम नहीं शांति चाहते हैं। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ययाति ने विवाह किया और उससे देवयानी के पेट से, उसके गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए ययाति के। एक का नाम था यदु, दूसरे का नाम था तुर्वसु। यदु के कुल में योगेश्वर कृष्ण पैदा हुए, तुर्वसु का कुल अलग चला, इसलिए यदु के कुल से है, इसलिए यादव कहलाए। इन्हीं के कुल में आगे मधु नाम का राजा हुआ, उससे फिर ये माधव कहलाए। बोलो जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, बस वह जमाने के ख्यालों में, बस वह कृष्ण बन करके जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम के चर्चे अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम के चर्चे अंधेरों में उजालों में, सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, सूरज भी क्या चमकेगा शान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे।
आगे सुनिए, फिर मैं आपको एक बात और बताने लगा हूं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य जरासंध से टक्कर है, खुद के मामा कंस से टक्कर है, गुरुकुल से पढ़ करके आए। कृष्ण और बलराम दो भाई हैं और दोनों ने लगाई कंस से लड़ाई है। कंस के पास में कितनी बड़ी ताकत होगी शायद आप में से किसी को पता नहीं है। बोलो, कंस किसका जमाई था, किसकी ताकत पे कंस ने अपने बाप को जेल में डाल लिया, किसकी ताकत के बल पर यादवों के साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। कंस जरासंध का जमाई था। जरासंध की दो बेटियां याद कर लो लोगों, योगेश्वर कृष्ण की कथा अपने बच्चों को सुनानी है तो कंस की जो पत्नी थी वो जरासंध की दो बेटियां, एक अस्ति एक प्राप्ति, दोनों के क्या नाम थे, एक अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। जरासंध के बलबूते पर कंस पूरी अपनी पूरी चरम पे आकर के योगेश्वर कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहता था, उसके लिए उसने सहारा लिया मल्ल युद्ध का। कंस के दो पहलवान, दुनिया में उनका कोई जोड़ नहीं था, एक का नाम था मुष्टि एक का नाम था चाणूर। मुष्टि को मारा योगेश्वर कृष्ण ने और चाणूर को मारा बलवा उसने, चाणूर को मारा कृष्ण के भाई बलराम ने। जब दोनों पहलवान मर गए कंस का बल आधा हो गया और कंस का सर्वनाश किया। उग्रसेन को दोबारा से राजगद्दी पर बिठाया और सबने योगेश्वर कृष्ण जी के चरणों में सिर झुकाया। बोलो, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। हाँ जी, सभी से एक निवेदन है, एक छोटी सी बच्ची बहुत ये रो रही है यहाँ पर, ये अपने माता पिता से बिछड़ गई है। किसी को ध्यान में आ रहा हो, चाहे नीचे भी मेरी आवाज जा रही है, बाहर भी आवाज जा रही है, जिसकी बच्ची बिछड़ गई है उनको पता ही होगा कि हमारी बच्ची कहाँ है, तो उनकी बच्ची यहाँ है, आकर के ले जाए, बच्ची रो रही है, आइए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पथिक जीवन की राहों में कभी न उदास होता है, पथिक जीवन की राहों में कभी न उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। नहीं सकता बड़े से भी बड़ा संकट उसे बिछड़ा नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में भी कभी घबरा नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में भी कभी घबरा नहीं सकता, उसको ठहरा पाओगे घर तूफान के आगे, उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का
सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे, इस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, इस आदमी का सर झुके गोपाल के आगे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ गए मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। अपने बच्चों को एक बात और बताना, सारे अपने बच्चों को यदि ये बातें बताओगे तो वो पक्का योगेश्वर कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। आज मेरे को आप बताओ, युद्ध की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी लड़ने की किसके पास है? थोड़े लोग और ज्यादा दुश्मनों से लड़ पाते हैं। सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस किसकी अच्छी है? सबसे बड़ा सुरक्षा तंत्र किसका अच्छा है? सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बोलो किसकी अच्छी है? इजराइल की बेटी ने सही जवाब दिया। किसकी है? छोटा सा देश और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, पर ऐसी बात नहीं है। अरे ये कहां से आई? यहूदी कहां से आए? यहूदियों के पास में कहां से टेक्नोलॉजी आई, कहां से बुद्धि आई? ये यादव कुल के लोग हैं, यादव से यहूदी बने तभी इनके पास में आई है। कैसे? श्री कृष्ण जी महाराज के टोटल कुल के लोगों की मैं संख्या बता देता हूं आपको, जिसके बलबूते पर उन्होंने योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने जरासंध से टक्कर ली। कितने? कुल 18,000 मनुष्य। यादव कुल में कुल और कुल मात्र 18,000 लोग थे, और जरासंध अपने आप को चक्रवर्ती मानता था। 18,000 लोगों की सेना ने जरासंध को टक्कर दी। कितने बार आक्रमण हुए? 17 बार। मथुरा पर 17 बार आक्रमण हुए जरासंध के, और 17वीं बार कमाल देखिए, दो पहलवान जरासंध के पास थे जो उसके अंगरक्षक थे, जिनका दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं था। एक का नाम था हंस, दूसरे का नाम था डिंबक। हमेशा जरासंध के दाएं और बाएं रहते थे। हंस नाम का एक राजा भी जरासंध के साथ लड़ने और कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आए थे। मथुरा पर 17वीं बार आक्रमण हुआ, बलराम ने उस हंस नाम के राजा को मार गिराया और शोर मच गया, हंस मारा गया। डिंबक नाम का जो पहलवान था, कंस का बॉडी जरासंध का बॉडी गार्ड, उसने सुना कि तेरा मित्र मारा गया, मित्र के वियोग में हार करके जमुना में कूद करके आत्महत्या कर ली। और जब हंस नाम के पहलवान को पता चला कि तेरा मित्र डिंबक जो है नदी में कूद करके मर गया, वो भी उसके पीछे डिंबक डिंबक पुकारते हुए वो भी यमुना में डूब करके मर गया, जरासंध का बल एकदम खत्म हो गया, लड़ाई बीच में छोड़ करके और वापिस चला गया। और वहीं जा करके मगध के अंदर योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने भीम के हाथों, अर्जुन के हाथों फिर जरासंध को मरवाया। बोलिए योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की। अब वैसे थे वह हमारे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च
से दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के बिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे है तरस रहे जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, जो दुविधा में डाला रे बड़े भाई हरी गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो। संकट में गए आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सभी हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करके और ताली बजाएं। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। देखिए आज चल परली पार सवरिया, चल परली पार। जहाँ भी राजे राधा रानी, जहाँ भी राजे राधा रानी, अलबेली सरकार हमारी। चल कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दास। ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपने बोलना है, उस कन्हैया को बुलाना है अभी से ही और बोलना है, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए, हाथ ऊपर कर ले सभी, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, ओना ही पैना तेनू, ओना ही पैना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बच्चों को आप याद करके सुनाइए योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का।
लोग इस बात को भूल चुके हैं, वो फिर से याद दिलाने की जरूरत है। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का विवाह किससे हुआ था, बोलो किससे हुआ था? विवाह किससे हुआ था? माता रुक्मिणी से। कैसे हुआ था पता है? बहुत बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट, कल्पना करो, जिस रुक्मिणी से योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का विवाह हुआ उसके पिता जरासंध के गुलाम थे, जरासंध के। और उस समय जरासंध का सेनापति कौन था? जरासंध का सेनापति था शिशुपाल। तभी तो शिशुपाल ने गाड़ियां बकी थी जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और योगेश्वर कृष्ण जी महाराज को प्रथम अर्घ्य प्रदान किया गया, तो शिशुपाल गालियां बकने पे उतारू हो गया। क्यों? उस समय जरासंध ने रुक्मिणी के पिता को बुला करके कहा, और सुनो, आपस की फूट कहां तक काम खराब कर रही थी। शिशुपाल श्री कृष्ण जी महाराज की बुआ का लड़का था, सेनापति जरासंध का था। तो जरासंध ने रुक्मिणी के पिता को बोला, रुक्मिणी का विवाह जरासंध से कर, ये मेरा आदेश है। और तैयारी हो गई, राजा आ गए, मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए, मंडप सज गया रुक्मिणी का विवाह जरासंध से होने के लिए। जब योगेश्वर कृष्ण जी महाराज को ये पता चला कि रुक्मिणी ने हृदय से योगेश्वर कृष्ण को अपना पति मान लिया है, तो बलराम सहित सेना लेकर के आए और रुक्मिणी को उठा करके ले गए। राजाओं ने विरोध किया, सब हार गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी बहुत बड़ा योद्धा था, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए कई किलोमीटर तक पीछा किया। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज जानते थे रुक्मी बहुत बड़ा योद्धा है और तुम्हारी पत्नी का भाई है। एक जगह रुक करके ऐसी योग विद्या दिखाई कि वो रुक्मी चरणों में गिर गया और बोला कि मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूं। उस रिश्ते को स्वीकार करके मैं ये जो बात बताने चला हूं ना आपको, ये अपने बच्चों को जरूर बताना, जरूर बताना ये बात। जब रुक्मी का विवाह कृष्ण के यहां ससुराल में आकर के हुआ और कृष्ण जी महाराज ने बोला, रुक्मिणी मैंने प्रतिज्ञा की है, जब फेरे हो रहे थे, विवाह संस्कार हो रहा था, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। रुक्मिणी ने क्या मांगा होगा? आजकल की रुक्मिणी होती ना तो बोलते रेंज रोवर ला करके दे दो, या कोई मर्सिडीज की है ना जी वैगन ला करके दे दो। पर वो रुक्मिणी योगेश्वरी थी, श्री कृष्ण जी महाराज योगेश्वर थे और माता रुक्मिणी योगेश्वरी थी। उसने क्या मांगा? बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान आपसे मांगती हूं। क्या? आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र जो गुणों में, बल में, बुद्धि में, युद्ध की कला में, तप में, ज्ञान में, नीति में, सब में आप जैसा हो। तो श्री कृष्ण जी महाराज बोले, इसके लिए तप करना पड़ेगा। बोला, तप के लिए तैयार है? संसार के अंदर सज्जनों मेरी बात सुनकर के जाओ और अपने बच्चों को बताओ, और जो लोग सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं उनको भी बताओ, संसार की एकमात्र पहली और अंतिम घटना है कि विवाह के बाद में पति पत्नी दोनों हिमालय पे जाकर के ब्रह्मचारी रहे हो, ये केवल श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन में घटी है। माता रुक्मिणी और योगेश्वर कृष्ण 12 वर्ष हिमालय में ब्रह्मचर्य की भट्टी पे तपे और तपस्या की, 12वां वर्ष बेर खा करके बिताया। बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। जिस जगह पे बद्री फल खाया
उसी जगह का नाम आज बद्रीनाथ है। लोग वहां जाकर के माथा झुकाते हैं बद्रीनाथ पे। और श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, महत घोर ब्रह्मचर्यम तीर्त्वा द्वादश वार्षिकम, अपने बेटे प्रद्युमन के लिए 12 साल हिमालय के अंदर ब्रह्मचर्य के तप की भट्टी में तप करके फिर मैंने इसको तपसा माया अर्जिता, मैंने तप से अपना पुत्र पैदा किया है, इसलिए अपने पुत्र को वो पुत्र नहीं कहा करते थे, कहा करते थे इमम में प्रजा, ये मेरी प्रजा है। एक पुत्र को प्रजा कहना, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के कारण तप की भट्टी में तप करके पैदा किया था। इस संसार में अकेला ऐसा उदाहरण है, इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर पार्थ जैसा धनुर्धर है, तत्र श्री विजय ध्रुवा मतिर नीतिर ममा, वहां पर ध्रुवा नीति है, वहां पर श्री है और वहां पर विजय है। और दो लाइनें याद रखना, श्री कृष्ण जी महाराज किस लिए आए थे धरती पे, किस लिए आए थे, दो लाइनें हमेशा बोला करो, बोलो मेरे साथ, साधुनाम परित्राणाय, बोलो साधुनाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतम्। दो, केवल पर्पज ऑफ लाइफ, दो, साधुओं का सज्जनों का परित्राण करना और दुष्टों का विनाश करना। आप भी यदि योगेश्वर कृष्ण जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो साधुता का, धर्म का, सज्जनों का त्राण करने में जीवन लगाना और दुष्टता, अधर्म, अत्याचार, दुराचरण का विनाश करने में लगाना। बोलो योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए अगर इतनी आवाज है ना, फिर बांके बिहारी जहां आने वाले नहीं है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पता चले कि मंदिर में आज प्रोग्राम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो अब आगे का प्रोग्राम कुछ ऐसे है, देखिए इन बच्चों ने काफी मेहनत की है और जो बच्चे आज कृष्ण जी का रूप बन के आए हैं, सज धज के आए हैं, उनको स्टेज पे मैं बुला रहा हूँ और उनके मम्मी डैडी साथ आ जाएं और स्वामी जी उनको शील्ड देंगे, क्योंकि दे वर्क वेरी हार्ड। और हमारी बहन सोनिया सोमिया मिश्रा जी, उन्होंने पिछले कोई 6 हफ्ते से सब तैयारी हो रही है बच्चों की, उनके पेरेंट्स मंदिर में आ रहे हैं 4 to 5 hours एवरी वीक, तो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड ऑल यू सी। तो सभी बच्चे आगे आ जाएं, मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको ट्रॉफी दीजिए। स्वामी जी बच्चों के मम्मी पापा भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्रॉफी एक ही मिलनी है बच्चों को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपया शांति बख्शे प्लीज, 5 मिनट की बात है, उसके बाद प्रोग्राम चलता रहेगा, सिर्फ 5-10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने काफी मेहनत की है तो वो ये डिजर्व करते हैं कि हम जो उनके लिए कर रहे हैं।
अगर आपने ट्रॉफी ले ली है प्लीज आगे आगे चले ताकि दूसरे का नंबर आ जाए। हाँ जी प्लीज कीप मूविंग, अगर आपने ट्रॉफी ले लिया आगे चले प्लीज चलते जाएं, फोटो बाद में स्वामी जी के साथ हम आपकी दिलवा देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की, जरा जोर से जयकारा बोलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आवाज नहीं आई, जरा और जोर से जयकारा बोले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल अलवेली सरकार की।
महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगी मीरा हो गई मगन। बोलिए बंके बिहारी लाल की। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑन बिहाफ ऑफ होल मैनेजमेंट ऑफ हिंदू सभा एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज हु आर प्रेजेंट हियर, वी वेलकम अवर special guest today. First, our guest who has already blessed all of us with the preachings for the Lord Krishna. Swamiji, aapka bahut bahut dhanyabad. And among us, Mr. Honorable Mr. Patrick Brown, Mayor of Brampton, Mr. Maninder Sidhu, Member of Parliament, Mr. Laj Prasher, a strong community leader and promoter of inclusiveness in the society. So please give all our guests a big round of applause. So now we have already heard from Swamiji. Now I will request our guest to say their greetings, only greetings, no political speech, no lecture, just greetings. So I request Mr. Patrick Brown to please say a few words for 2 minutes. Well, thank you, Madhu Lamba. Congratulations on your new role, helping shepherd the Hindu Sabha. Jai Shri Krishna. And happy Janamashtami to all celebrating tonight. It's great to be here. Throughout our city, there's a sea of celebrations, going from parks to different mandirs. It's beautiful to see the community coming together. And of course, it's a special time in our city. We start with the celebration of Lord Krishna's birthday. Then we're going to move into Navratri, and the city is hosting this year, for the first time ever, our own outdoor Garba on September 22nd, and everyone is invited. And then I look forward to coming back here, because everyone knows the best Dussehra party in Canada is at the Hindu Sabha. And so when I think of the fall, I think of these incredible celebrations in our city. So thank you for the opportunity to join you tonight, Madhu. Especially nice to be here with my adopted uncle, Laj Prasher. I went to Varanasi to get my blessings with Laj. And Laj is a great supporter of the community. And of course, our friend Maninder Sidhu, who's doing a great job in Brampton East. So enjoy the celebrations tonight. And as always, I look forward to seeing you often at the Hindu Sabha. Thank you. Thank you, Patrick. So now I request Mr. Maninder Sidhu, Member of Parliament, representing this, our temple area. Good evening, everyone. First of all, I'm so happy to be here to celebrate Janmashtami with all of you. It's Lord Krishnaji's birth celebration today. It's a time where the community comes together. But first and foremost, I want to thank
the Mandir leadership here for doing an incredible job. Of course, Lodge and the whole community board members are doing an incredible job here for bringing the community together, because this is what it's all about. It's about family, it's about children, it's about celebrations and celebrating with the community. And as your MP here in Brampton East, I'm looking forward to the ongoing festivals, Navratri. There's so many coming up. We've got great partnerships with the city, Mayor Patrick Brown, Harkeet Singh, and of course, Gurpatap Tour here in this region. Provincially, we have Hardeep Gadewal. And so we all work as a team to serve the community here, and I'm just so honored and proud to be here. Again, September 18th, we're going back to Parliament in Ottawa, where I'll continue to raise supports for families, for children, for youth, and for the business community. And I'm looking forward to more celebrations like this. Thank you so much, and happy Janmashtami for everyone. Thank you, Maninder. So now we request Mr. Laj Prasher to say a few words for 2 minutes.